हाँ जी गाइस, तुहानू 9C एक्सरसाइज विच जिहड़ी प्रॉब्लम आउंदी पई है उहदे नाल रिलेटिड जिहड़े सम्स ने उह मैं सॉल्व करवाउण लगी हाँ। ठीक है, जिवें साडे कोल पहली एक एग्जाम्पल इन्हां ने दित्ती होई आ, स्टेटमेंट हैगी है साडे कोल 0 to π/6। ठीक है, आ तुहानू पता है साडे कोल अपर लिमिट हुंदी है। ठीक है जी, आ हुंदी है साडे कोल लोअर लिमिट। लोअर लिमिट नूं तुसी ए नाल डिनोट कर दिओ, अपर लिमिट नूं तुसी बी नाल डिनोट कर दिओ। ठीक है, साडे कोल इहदे विच जिहड़ा फंक्शन दित्ता हैगा आ उह हैगा जी 1 cos 3θ (sin 3θ dθ). ठीक है जी, हुण स्टेटमेंट दे विच वेखण वाली गल इह आ कि जेकर साइन थीटा ना दित्ता हुंदा, ठीक है, तो फिर असी की करना ही डायरैक्टली इंटीग्रेट कर देना सीगा 1 भी तो कॉस 3θ भी, आफ्टर दैट यदि अपर लिमिट तो लोअर लिमिट में फिल कर देना सीगा। पर हुण इस तरीके दे नाल नहीं है, साडे कोल की इक्वेशन दे नाल मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये तुसी की करना है, तुसी ये देखना है कि जिहड़ी इक्वेशन ये तुहाडे कोल एग्जिस्ट करती पई है कि उस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन भी इसे फंक्शन च एग्जिस्ट करती पई है कि नहीं करती पई। देखो जी, डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाई भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है। ठीक है, सो इस चीज़ में तुसी सब तो पहला देखना है कि जो इक्वेशन तुहानू दिती गई, देखो जिवें कॉस 3θ आ, उहदी डिफरेंशिएशन जिहड़ी साइन 3θ चलती पई है। ठीक है ना, 3θ दी बाहर साडे कोल 3 आ जांदा। सिमिलरली साइन 3θ दी वी कॉस 3θ आ, हुण दोवें एक दूजे की डिफरेंशिएशन हैगी है। हुण आपां चूज़ ये करना कि आपां वैल्यू किहदी फिल करिए, ठीक है ना, कि किनू कंसीडर करके आपां सम जिहड़ा उह सॉल्व करना शुरू करिए। इन्नी गल क्लीयर है। हुण असीं की करना है, सब तो पहला कंसीडर करना है लैट वाई इक्वल्स टू दिस वन। सो सब तो पहले असं की करांगे, कंसीडर करांगे लैट वाई इज इक्वल्स टू 1 cos 3θ। ठीक है, हुण जो तुम दोवें साइड से डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई का तो डिफरेंशिएट होकर हो जाएगा डी वाई, 1 कॉन्सटेंट है तो 0 आ जाएगा। माइनस कोस 3θ की डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा साइन 3θ। ठीक है ना, साइन 3θ तो नाल की आएगा साइन माइनस का, क्योंकि कोस 3θ की डिफरेंशिएशन नैगेटिव साइन 3θ होंगी, आ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3θ की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3 तो थीटे की हो जाएगी dθ। ठीक है, यानी कि तुहाडे कोल की आया dy इज इक्वल्स टू 3 sin 3θ एंड dθ। हुण देखो जिहड़ी स्टेटमेंट असी कंसीडर कीती सीगी आ वाली, ये पूरी क्लीयर हो जाती, आ पूरी की जगह पर की आ जाता साडे कोल वाई, साइन 3θ dθ की जगह पर आ जाता साडे कोल डी वाई, साडे कोल आ 3 जिहड़ा वो एक्सट्रा, तो असी की करांगे इस 3 नूं दूसरी साइड पर लैके जावे तो उधर जाके की बन जाएगा 1/3 dy साइन 3θ dθ। ठीक है जी, जो सानू चाहिए सी साडे कोल कंप्लीट इक्वेशन तैयार हो गई। हुण देखो ये साढ़े कोल की दित्ता हो लिमिट्स दित्ती हुई ने, सो आप जो किसी वैल्यू में दूसरी इक्वेशन के कोल कंसीडर करते हैं ना, तो वो सानू लिमिट्स भी जिहड़ियां ने फिल करके सॉल्व करनियां पैंदियां। सब तो पहला देखो साढ़े कोल थीटा जिहड़ा कितना चलता पाया 0, तो असी की करना है इक्वेशन दे विच थीटे की जगह पर वैल्यू फिर फिल कर देनी है 0, लिखांगे पुट थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, हुण इक्वेशन दे विच जरा के 0 फिल करिए तो की आता है, आ वाली इक्वेशन की गल कर रही हूँ मैं, इन्हों मैं हाईलाइट कर दी। ठीक है, सो वाई मेरे कोल की है 1 cos 3θ, थीटा की जगह पर आ गया 0, यानी कि 1 cos 3θ सा 0, तो कॉज 0 कितना होता है जी, कॉज 0 कदों होता है जो 1। ठीक है, कॉज 0 की हो गया 1, सो आंसर सॉल्व किया आंसर की आ गया 0, यानी कि जो तुम थीटा इक्वल्स टू 0 लोगे उदो लिमिट उत्थे की कंसीडर करोगे नवी इक्वेशन दे विच भी 0। ठीक है, इस तरीके नाल पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, जो साइड कोल इहदी अपर लिमिट सी, वाई की हैगा 1 cos 3θ। ठीक है जी, 1 cos 3 into θ, थीटा कितना मेरे कोल पाई बाय 6, सॉल्व कर दो, 1 cos कितना हो जाएगा जी पाई बाय 2, 3 1 3 3 2 6 π/2। हुण कॉस π/2 कितना होंदा है, कॉस π/2 दी ते वैल्यू हुंदी है साडे कोल 0, सो 1 - 0 तो आंसर की आ गया मेरे कोल 1। इहदा मतलब कि जिहड़ी मैं नवी वैल्यू कंसीडर करनी है उहदे विच मेरी अपर लिमिट जिहड़ी आ उह हो जाएगी 1 ते लोअर किन्नी हो जाएगी 0। इक्वेशन मेरे कोल की बनेगी इस तरीके नाल, इक्वेशन बनेगी 0 टू
वन, ठीक है, जीरो टू वन आ गया, अंदर की बचेगा मेरे को वाई डी वाई, तो डी वाई के मेरे को चलता पाया सगा वन बाय थ्री, सो वन बाय थ्री की आ जाएगा इक्वेशन दे बार, सो मेरे को नवी इक्वेशन आई के कोल हो जाएगा वन बाय थ्री जीरो टू वन वाई डी वाई। हूँ तुम सिंपली इंटीग्रेट कर दो, वन बाय थ्री बार रहेगा, वाई की इंटीग्रेशन करोगे वाई स्क्वेयर बाय टू, लिमिट आ जाएगी जीरो टू वन, ठीक है, लिमिट्स फिल कर दो वन बाय थ्री, फिर अपर लिमिट फिल करोगे तो की बन जाएगा वन बाय टू, ठीक है, फिर लोअर फिल करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, सो वन बाय थ्री इंटू वन बाय टू तुहाडे कोल आंसर कितना आ जाएगा वन बाय सिक्स, ठीक है जी। इस तरीके नाल इंटीग्रेशन जी सॉल्व हो जाती है। आप एक होर एग्जाम्पल जी कंसीडर करते हैं, एक और मैं एग्जाम्पल कंसीडर की है जिद उन्होंने लिमिट्स दिखाई हुई ने जीरो टू टू पाई कोज एक्स ओवर स्केयर रूट ऑफ फोर प्लस थ्री साइन एक्स, ठीक है। हूँ सेम साडा सब तो पहला स्टैप यह होना चाहिए कि आप इक्वेशन है इन दोवों चो कि इक्वेशन है जिन्होंने मैं कंसीडर करा तो पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। देखो जेकर मैं कोज एक्स में इक्वल्स टू वाई लै ला, चलो मान लें कि मैं ले लिया, ठीक है, रफली आप कंसीडर कर लें। देखो जेकर मैं वाई इज इक्वल्स टू कोज एक्स डी एक्स ले ला, ठीक है, तो यह फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा डी वाई कोज एक्स की आ जाएगी माइनस साइन एक्स, एक्स की अगेन आ गई डी एक्स, तो यदा की फायदा होया कि आप साइन एक्स में किसी इक्वेशन के इक्वल फिल कर पाए हैं, नहीं, यह कि नीचे वाली इक्वेशन मेरे को सॉल्व नहीं हुई। सो आप जी कंसीडर करनी होएगी वाई की वैल्यू, सूँ बड़े ध्यान कंसीडर करना पेगा कि वो इक्वेशन पूरी की पूरी सॉल्व भी हो जाए तो डी एक्स की वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। सो हूँ फोर प्लस थ्री साइन एक्स में कंसीडर करो, इक्वल्स टू लो जरा वाई की, ठीक है, जिमें स्केयर रूट तो बिना लवेंगे फोर प्लस थ्री साइन एक्स के इक्वल है मैं वाई की डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉन्सटेंट हमें जीरो हो जाएगा, थ्री का थ्री आ जाएगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोज एक्स, एक्स की होगी डी एक्स, तो वाई की आ जाएगी डी वाई, ठीक है। हूँ उपर वाली इक्वेशन मेरे कोज एक्स डी एक्स है बस थ्री नहीं है, सो मैं किया इधर थ्री मल्टीप्लाई उधर ले जाके डिवाइड कर दाँगी कि आ जाएगा कोज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री डी वाई। हूँ ये की होया मेरे को पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू आ गई, हूँ लिमिट्स भी मैंने दी हुई ने, सो सब तो पहला मैं लिमिट फिल करांगी, पुट करांगे उहदे विच साढ़े कोल एक्स चलता पाया, सो आप एक्स कंसीडर करांगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो नूं किहदे च फिल करना है ए वाली इक्वेशन च जिहड़ी आप इक्वल्स टू वाई दे लैके चली है, ठीक है। सो साढ़े कोल क्या आ जाएगा फोर प्लस थ्री साइन जीरो किहदे इक्वल आएगा जी वाई दे, ठीक है, उन्हें लिमिट्स में जो तुम सॉल्व करोगे तो साइन जीरो कितना होंदा है जीरो होंदा, सो फोर प्लस थ्री इंटू जीरो इज इक्वल टू वाई, तो मेरे को वाई की पहली लिमिट कि आ जाएगी ये आ जाएगी फोर, ठीक है। इस तरीके आप टू पाई फिल करा हूँ लिखा पुट एक्स इक्वल्स टू टू पाई, टू पाई फिल करो फोर प्लस थ्री साइन टू पाई एक इक्वल है वाई दे, तो हूँ साइन टू पाई की भी वैल्यू मेरे को कितनी होती है, ये भी कितनी होती है जीरो होती है, सो फोर प्लस थ्री इंटू साइन टू पाई की वैल्यू हो गई जीरो, सो आंसर क्या आ गया फोर। सो वाई की मेरे को भी लिमिट कितनी आ गई फोर, दोवें लिमिट्स जिहड़ियां ने मेरे को वाई दियां कितनी आंदियां पईयां ने फोर, लोअर भी तो अपर भी। हुण आपां इक्वेशन बनावांगे आई के कोल हो जाएगा फोर टू फोर, तो इक्वेशन च की बचेगा मेरे को वन ओवर रूट वाई डी वाई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन सानूं सोल्व करनी आती है फोर टू फोर, असीं की कीता वाई नूं उपर लैके जावांगे, उपर जाके वाई की हो जाएगा नैगेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन यदि सॉल्व करो बार वन बाय थ्री जो चलता जाएगा वन बाय थ्री, यदि इंटीग्रेशन प्लस वन करा तो की बन जाएगा वाई रेस टू पावर वन बाय टू, तो नीचे भी क्या आ जाएगा वन बाय टू, लिमिट चल जाएगी फोर टू फोर, ठीक है। सो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वन बाय थ्री, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोवें सेम है, सानू वैसे पता ही है कि अपर लिमिट लिमिट तो लोअर लिमिट जेकर सेम हो जाती है तो आंसर की हो जाता होंगे डायरैक्टली जीरो दे, बट फिर भी आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा वन बाय टू तो टू बाय वन, फोर एस टू पावर वन बाय टू माइनस फोर एस टू पावर वन बाय टू, ठीक है जी, हाँ हो जाएगा तुहाडे कोल जीरो, तो किसी भी इक्वेशन जीरो ना मल्टीप्लाई करिए आंसर की आता है जी जीरो।
ठीक है। सो इस तरीके इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाती है जीरो।